हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मनी राइज प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे HDFC की एक और धमाकेदार स्कीम के बारे में और साथ में इलस्ट्रेशन के थ्रू ये भी समझेंगे कि कैसे आप 1.5 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें बिना स्किप करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर भी जरूर क्लिक करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जिस HDFC स्कीम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस स्कीम का नाम HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान है। पहले इस फंड के फीचर्स को जान लेते हैं। HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान एक ओपन एंडेड फंड है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही उपलब्ध है। इस स्कीम में 5 साल का लॉक इन पीरियड भी है। 5 साल से पहले आप पैसा रिडीम नहीं कर सकते, और इस स्कीम का फंड साइज 5,557 करोड़ का है, और वीडियो बनाते समय इस फंड की NAV 55.36 रुपीस चल रही है। और इस फंड में मिनिमम 500 रुपये से SIP और लमसम 5,000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसका एक्सपेंसिस रेशियो 0.67% है और एग्जिट लोड 0% है। इस फंड ने हर 4 साल में पैसे को दुगना किया है, और इस फंड ने लास्ट 1 साल में लगभग 35% का रिटर्न दिया है, और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लगभग 22% का एवरेज एनुअल रिटर्न बनाकर दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। और इस म्यूचुअल फंड का मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स सेक्टर्स में है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो 62.56% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, और 14.04% मिड कैप स्टॉक्स में, 23.39% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। अभी इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग पर नज़र डाल लेते हैं। फंड की टॉप 5 होल्डिंग HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक्स में है। अभी इसका परफॉर्मेंस रेशियो एनालिसिस कर लेते हैं। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 10.72 है, अल्फा 6.90 है जो कि अच्छा है, बीटा 0.76 है और शार्पे 1.61 है, और शोभित मेहरोत्रा, अमर कालकुंडरीकर और श्रीनिवासन इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स हैं जो फंड को ऑपरेट करते हैं। इस फंड में आप दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP के जरिए और लमसम अमाउंट के थ्रू। तो अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन के तौर पर लमसम कैलकुलेशन करके समझाऊंगा आप कैसे आप बड़ा फंड बना सकते हो। तो इस स्कीम का जो ऑल टाइम एवरेज सालाना रिटर्न है वो लगभग 22% का है। अगर आप इस HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान के अंदर 1.5 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और हम मानकर चले कि कम से कम 21% का एक्सपेक्टेड रिटर्न आने वाले समय में इस फंड से मिलता है, तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो फ्यूचर में मिल सकता है वो करीब 1,18,76,930 रुपए का हो सकता है, और इसमें आपकी मात्र 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट होंगे। 23 साल बाद आपके फंड की जो वैल्यू हो सकती है वो करीब 1,20,26,930 रुपये हो सकती है। आप स्क्रीन पर भी सारी कैलकुलेशन देख सकते हैं। अब मैं आपको फ़ंड की 14% पर NM के हिसाब से कैलकुलेशन करके बताऊंगा। अगर आप 1.5 लाख रुपये वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो 23 साल बाद एस्टिमेटेड रिटर्न 29,04,238 रुपये हो सकता है, और 23 साल बाद आपके फ़ंड की जो वैल्यू हो सकती है वो करीब 30,54,238 रुपये हो सकती है। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड आपको फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड्स के कंपेरिजन में ज़्यादा रिटर्न दे सकता है और इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा। म्यूचुअल फंड के रिटर्न कोई फिक्स नहीं होते, ये मार्केट के उतार चढ़ाव पर आधारित होते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग और फ्यूचर प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान स्कीम पर फोकस कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कर ले और अपनी रिसर्च भी जरूर कर ले। यहाँ पर कोई बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।